अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। उम्मीद है आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। मैं आज म्यामी में हूँ और म्यामी शहर से 45 मिनट के फासले पर एक छोटा सा है होमस्टेड के नाम से। वहाँ पे बे फ्रंट पार्क पे मैं आया हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, आप देख रहे हैं मुझे मच्छर भी तंग कर रहे हैं। और आने की सबसे पहली गलती बताता हूँ, मैं फुल शर्ट पहन के नहीं आया तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। सुबह सुबह का वक्त है लेकिन लोग यहाँ पे जो हैं सैकड़ों आए हुए हैं सुबह सुबह ही। यहाँ लोग कश्ती रानी के लिए आते हैं अपनी बोट्स वगैरह ले कर। चले चलते हैं आगे, मुझे जनाब मच्छर तंग कर रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। और ये है जनाब जुलाई का महीना है और इतवार का दिन है। चले चलते हैं। ये देखें, ये सफ़ेद रेत है और ये बीच का मंज़र है जहाँ शायद नहाना मना होगा। अच्छा, ये बच्चों का पार्क भी है। बीच इज़ क्लोज। अच्छा जी, यहाँ पे नहाना मना है हालांकि कोरोना की वजह से। इस साइड पे लोग नहीं हैं लेकिन वो पीछे आप देख रहे हैं बहुत सी गाड़ियाँ और सात कश्तियाँ। खैर, दूसरी साइड से कश्तियाँ जाती हैं इसके बिल्कुल अपोजिट उस साइड पे। ये नारियल ऊपर लगे हुए। यहाँ पे जी मगरमच्छ भी हैं। मगरमच्छों को कुछ खिलाना या उनको डराना मना है। यानी मगरमच्छ आके मुझे डरा दें उसकी खैर है, लेकिन आप नहीं मगरमच्छ को डरा सकते। ये बोर्ड मैंने अभी देखा है। अब पता नहीं मगरमच्छ किस पानी में है। ये जो तालाब सा बना हुआ है ये देख रहे हैं आप, या फिर वहाँ समंदर में है। सुबह सुबह का वक्त है और हल्की हल्की हवस भी है। थोड़ा सा मौसम गर्म है न्यूयॉर्क के मुकाबले में, लेकिन यह है कि थोड़ी सी बंदे को पाकिस्तान वाली फील भी लेनी चाहिए। अब -25 सर्दी में रहते हैं हम, इवन कि अभी गर्मियों में भी एक हफ़्ता कंबल नहीं करते, अगले हफ्ते फिर कंबल करते हैं। तो उस लिहाज से ये है कि थोड़ा सा मौसम गर्म है, बहुत गर्मी नहीं है कि जिसको हम कहें। हाँ, यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत गर्मी है। हर बंदा कह रहा है बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। गर्मी इतनी नहीं है हमारे लिए, इतनी गर्मी नहीं होती आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए। बस अभी इस जगह खड़े हुए एक ही मसला बार बार आ रहा है कि ये मच्छर, बड़े बड़े मच्छर हैं वो तंग कर रहे हैं। और हवा भी रुकी हुई है, हवा नहीं है। और ये जो मगरमच्छों वाला काम हुआ है, अब उस वजह से मैं वहाँ पानी के करीब भी नहीं जा रहा। सोच रहा हूँ कहीं से इधर निकल आया तो कोई मसला ना हो जाए। खाम खास सैर करते कराते तो मुदस्सर साहब जनाब गायब हो गए हैं, तो मगरमच्छ खा गए मुदस्सर को। तो अभी फ़िलहाल ऐसा काम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी नारियल के तरफ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप देख रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पे स्विमिंग करना भी मना है, मेरे ख्याल उसी वजह से, वो जो है मगरमच्छों की वजह से लोग कश्तियाँ लेके उस जगह से वो आगे जा रहे हैं। शायद आपको नज़र आ रही है वो सामने कश्तियाँ जा रही हैं आगे खुले समंदर की तरफ।
मेरे दोस्त अदीम साहब सुबह सुबह का वक्त है, सो रहे हैं, तो सोने वाले फिर ऐसा मंजर जो है वो मिस कर जाते हैं। अच्छा यहाँ पर भी देखें, ये वही वो जो यहाँ से पानी दिया गया, निकाला गया, जो उसको वहाँ जा के दे रहे हैं। ये देखें दरख्तों के बीच में से बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं। ये समुंदर है और वहाँ से ये ऐसे खाला, जिसको हम कहें खाला से निकाला हुआ है, साथ से जा रहे हैं। ये लोग अब जा रहे हैं समुंदर में। वो उसने बीच में कश्ती में पीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, ये लामती शर्ट है, दूर से ताकि दूर से नजर आ सके। तो मैंने अभी पूछा है, ये एक बंदा काम कर रहा है, अभी अभी आया है, तो वो बता रहा है ये आधे हिस्से के अंदर जो है लगा हुआ है, तो उसको पार्टीशन की गई है, परली साइड पे लोग नहा सकते हैं और उरली साइड पे इनके पास मुख्तलिफ किस्म की मछलियां हैं, और ये आके यहाँ से सैंपल लेके जाते हैं, फिर उनको चेक करते हैं, वो जो टोकरी सी पड़ी थी उसमें, फिर उनको चेक करते हैं कि बीमारी वगैरह कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि आसपास जितनी भी नई किस्म की कोई मछली आए कहीं समुद्र में किसी और जगह से, तो वो सारी हम उसको देख के रखते हैं। यहाँ पे ये मछलियाँ हैं सारी, वो छोटा सा मैं क्लिप भी बीच में लगाया है, तो लाला कहता नहीं मेरी आप वीडियो नहीं बना सकते, दायरा मुलाजिम है। तो ये मेरे ख्याल सारी रात समुद्र में गुजार के ये वापस आ रहे हैं। ये एरिया है, वो सामने से कश्तियाँ वहाँ से आती हैं, यहाँ से लोग अपनी कश्तियाँ लाते हैं, और इधर से होते हुए ये जैसे ये जा रहे हैं वहाँ समंदर में चले जाते हैं। मेरा ख़्याल है इस जगह भी मगरमच्छ होते हैं, क्रोकोडाइल्स इन एरिया। से मछलियों के और दीगर समुद्री जानवरों के ढांचे होते हैं उसका नमूना सा बनाया गया ये साथ साथ यहाँ पे। चलें मेरा ख्याल है अब आस्ते आस्ते निकला जाए, मच्छर भी बहुत तंग कर रहे हैं और काफ़ी सैर हो गई है, बाकी बीच की सैर जो है बीच पे नहाने वगैरह, गुड मॉर्निंग, नहाने वगैरह की जो है फिर वो अगली वीडियो में आ जाएगा। आपको अगले 3-4 दिन सैर कराते रहेंगे, कुछ यादगारें भी हैं मेरी भी महफूज हो जाएंगी। ये नारियल के दरख्त लगे हुए हैं और टाइम हो गया जी चलने का, जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम।